मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि ना तो मैं 5 लाख वाली बात कर रहा हूं, ये चुनाव कांग्रेस जो है 15 से 20 हजार से जीत सकती है, और अगर हमारा भाग्य फूटने वाला है तो 25 से 50 हजार से हार सकते हैं। ये लोकसभा की स्थिति है और ईश्वर कांग्रेस के साथ है, क्यों कि इस वक्त कांग्रेस सच के साथ खड़ी है। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण की वोटिंग इस समय खंडवा में चल रही है और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेता विभिन्न क्षेत्रों में जाकर मतदान की क्या स्थिति इसका जायजा ले रहे हैं। इसी दौरान हमारी मुलाकात पूर्व विधायक और खंडवा लोकसभा क्षेत्र से पूर्व में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे श्री राजनारायण सिंह पुरनी दादा से मुलाकात हुई है। दादा से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस चुनाव में कांग्रेस खंडवा लोकसभा क्षेत्र से किस तरह से प्रदर्शन करने वाली है। दादा नमस्कार, क्या कहेंगे? बोल गुरु सिंघा महाराज की जय। जी दादा, क्या कहेंगे? लोकसभा खंडवा का जो ये चुनाव होने जा रहा है, जी, ऐसा मेरी 74 साल की उम्र में मैंने ऐसा चुनाव कभी देखा ही नहीं। जी, इसमें किसी कांग्रेस के नेता को या बीजेपी के नेता को जमीन लेवल तक, ग्रास रूट तक किसी को कोई जानकारी नहीं है। जी, क्योंकि इस तरीके से पहले कभी कोई चुनाव नहीं हुआ। जी, ना किसी बीजेपी वाले की दारू बट रही, ना कोई कांग्रेस वाले की दारू बट रही, ना बीजेपी वाले पे के पैसे बट रहे, ना कांग्रेस वाले के पैसे बट रहे, और प्रचार करने के लिए कोई भी नेता ग्रास रूट तक कहीं से कोई लोग नहीं गए, गिनती के लोग चले गए तो बात अलग है। अब इसलिए कोई भी खुल के कोई बता नहीं सकता, लेकिन मैं दावे के साथ बता रहा हूँ कि सबसे खतरनाक विधानसभा जो है वो नेपानगर है। लेकिन नेपानगर में जो आदिवासी वोट है उसमें मूलचूल परिवर्तन आया है, और वो किसी ने नहीं उनको समझाया, कोई राजनारायण सिंह समझाने नहीं गए, ना कोई दूसरे नेता गए। लेकिन वो भाजपा का जो नारा है ना कि 400 के पार संविधान संशोधन करना है, जो भी बातें थी वो आदिवासियों के दिमाग में बहुत मोटी बैठ गई। उनने कहा कि इससे कहीं हमारा आरक्षण नहीं खत्म हो जाए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उनके पास तक जो बात गई और उनकी जो सोच डेवलप हुई, इसलिए नेपानगर की स्थिति कांग्रेस की बहुत मजबूत हो गई। बुरहानपुर एक ऐसी विधानसभा है कि वहाँ जनरली मैं दुर्भाग्य से जरूर हरा हूँ, लेकिन अभी की स्थिति में बुरहानपुर में कांग्रेस को 10 से 15 हजार वोट से 20 हजार तक की लीड मिल सकती है, ऐसी संभावना है। तीसरी बात यह है कि उसके बाद में आपकी वहाँ कभी कांग्रेस हारती नहीं, भीकनगांव वहाँ कांग्रेस जीतेगी। फिर आपकी पंधाना जो विधानसभा है वहाँ आरई सर्कल सिंगोट में बीजेपी को 15 हजार की लीड मिलती है। लेकिन जो ट्राइबल वोट में ये जिस बात का असर है कि 400 के पार संविधान संशोधन हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, इसलिए हमारी पंधाना विधानसभा जो है हम बराबर भी हो सकते हैं, हम 2-5 हजार से वहाँ हार सकते हैं। दूसरी बात यह है कि खंडवा विधानसभा का जहाँ तक प्रश्न है, तो खंडवा विधानसभा में पिछले चुनाव विधानसभा में मैं तो बहुत कम वोट से हारा, लेकिन स्थिति कुछ घूम फिर के ऐसी आ रही है कि जो मैं चुनाव हारा था उसी स्थिति में खंडवा जा रहा है। क्योंकि खंडवा में अभी हमारी विधानसभा में 22 हजार की ग्रामीण में हार हुई थी, मैं 1.5 हजार से जीता था, वो शहर में 16 हजार की, लेकिन जो वोटिंग परसेंटेज अभी 50% तक पहुँच गया है। और इस वक्त ये जो वोटर है जो ये समझ रहा है कि परिवर्तन कर रहा है, बहुत ताकत से वोट डाल रहा है, तो खंडवा की स्थिति भी पिछले चुनाव मेरे चुनाव जैसी रहेगी, उससे 2 हजार ज्यादा हो सकते, 2-3 हजार कम हो सकते हैं, यानी मामला 10 के अंदर ही रहेगा। दूसरी बात ये है, इसके बाद में आपकी विधानसभा आई कौन सी, मानदाता, तो मानदाता तो अरुण यादव साहब उस वक्त चुनाव लड़े थे तो 2880 वोट से हारे थे जब 49 हजार से जीते थे। अभी की संभावना ऐसी कि मानदाता में कांग्रेस लीड लेगी, बढ़वाई भी लीड लेगी, और भी बागली की जो खड़ी पट्टी है वहाँ हम ज्यादा में ज्यादा बागली से 2-5 हजार से माइनस हो सकते हैं। इसलिए मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि ना तो मैं 5 लाख वाली बात कर रहा हूँ, ये चुनाव कांग्रेस जो है 15 से 20 हजार से जीत सकती है, और अगर हमारा भाग्य फूटने वाला है तो 25 से 50 हजार से हार सकते हैं। ये लोकसभा की स्थिति है और ईश्वर कांग्रेस के साथ है, क्यों कि इस वक्त कांग्रेस सच के साथ खड़ी है। बड़े से बड़े नेता कांग्रेस में कैसी झूठ बोल रहे हैं ये मेरे से अच्छा आप जानते हो। तो यहाँ तो सच्चाई और मैं किसी की बुराई भलाई के झगड़े में कभी पड़ता नहीं, कोई पर टिप्पणी करता नहीं, लेकिन ऊपर वाला है, ऊपर वाला जो है ना वो इस वक्त इंसानियत के साथ खड़ा, इसलिए यहाँ से एक साधारण सीधा सच्चा किसान का पुत्र है नरेंद्र पटेल, और यहाँ कांग्रेस जीतेगी।